हेलो फ्रेंड, मैं इंद्रजीत कुमार एक बार दोबारा से आप लोगों को अपने इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड, जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं बैंक से रिलेटेड वीडियो, LIC से रिलेटेड वीडियो आप लोगों के लिए रोजाना से बना के लाता रहता हूं नए नए टॉपिक के ऊपर। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक LIC के नए प्लान के बारे में बताने वाला हूं, जिसका शुरुआत दोस्तों इस साल 2024 में ही हुआ है। अगर दोस्तों आप भी इंटरेस्ट रखते हो LIC में पैसा जमा करने पे, तो दोस्तों आप लोग मेरे इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं आगे चल के आप लोगों को इस वीडियो में ये जो नया प्लान LIC का आया हुआ है, इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को सारा चीज बताने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो फ्रेंड, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, यहां पर लिखा हुआ दोस्तों LIC इंडेक्स प्लान। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये प्लान से रिलेटेड सारा कुछ बताऊंगा। जैसे कि दोस्तों, मैं एग्जांपल के लिए आप लोगों को बता दूं कि ये जो LIC इंडेक्स प्लान है, वो इसका मतलब शुरुआत दोस्तों इसी साल 2024 में हुआ है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को ये प्लान से रिलेटेड सारा कुछ बताऊंगा। जैसे कि दोस्तों, आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हो, यहां पर लिखा गया LIC इंडेक्स प्लान प्लस इज अ न्यू यूनिट लिंक्ड लाइफ इंश्योरेंस प्लान ऑफर द मार्केट ग्रोथ पोटेंशियल विद द गारंटी डेथ बेनिफिट। द प्लान प्रोवाइडेड द लाइफ इंश्योरेंस कवर थ्रू आउट द प्लान पॉलिसी टर्म एंड अलाउ पॉलिसी होल्डर टू इन्वेस्ट देयर मनी इन द चॉइस ऑफ द फंड। मतलब दोस्तों देखिए, इसका ये प्लान को खास डिजाइन किया गया है ये देखते हुए। देखिए दोस्तों, अगर मान लो आप इक्विटी शेयर मार्केट में पैसा वगैरह लगाते हो, तो आप लोगों को एक रुपया का मतलब आप लोगों को लाइफ इंश्योरेंस कवर नहीं मिलता। मतलब आप लोगों का लाइफ इंश्योरेंस मतलब रिस्क कवर ऐसा करके कुछ चीज आप लोगों को नहीं मिलता। लेकिन दोस्तों, आप अगर मान लो ये LIC के प्लान में, ये जो इंडेक्स प्लस प्लान है, इसमें पैसा को इन्वेस्ट कर रहे हो, तो इसमें भी पैसा दोस्तों आप लोगों का लगेगा। कहां पर? इनडायरेक्टली इसमें भी पैसा आप लगाते हो तो ये शेयर मार्केट में ही आप लोगों का पैसा इन्वेस्ट होगा, इक्विटी शेयर के ऊपर पैसा ये लगेगा। तो इक्विटी शेयर में दोस्तों आप लोगों को चूज करना है कि कौन सा शेयर में पैसा लगाना है। तो दोस्तों, ये एक तरह का SIP प्लान है LIC का, इसे खास डिजाइन किया गया है दोस्तों ये देखते हुए, ताकि आप लोगों को एक लाइफ इंश्योरेंस कवर भी फ्री में मिल जाए, और उसके अलावा दोस्तों अगर आप इक्विटी शेयर में पैसा वगैरह लगाते हो तो उसका भी आप लोगों को फायदा ये प्लान में मिल जाए। तो आगे चल के दोस्तों मैं आप लोगों को सारा कुछ ये प्लान से रिलेटेड समझाऊंगा। जैसे कि दोस्तों मेरे स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, यहां पर दोस्तों लिखा गया एलिजिबिलिटी क्रेटर ऑफ इंडेक्स प्लस, मतलब क्या क्या एलिजिबिलिटी है। तो आइए दोस्तों, मैं आप लोगों को वो भी दिखाता हूं। तो सबसे पहले दोस्तों, आप मेरे स्क्रीन पर यहां पर जैसे कि देख रहे होंगे, यहां दोस्तों लिखा गया फर्स्ट पॉइंट पे एज लिखा गया। ये प्लान को दोस्तों कौन कौन ले सकते हैं? तो दोस्तों, आप लोगों के घर में कोई भी 3 महीना के व्यक्ति है, मतलब 3 महीना के कोई नए जन्म लिए हुए बच्चे है, 3 महीना के कोई भी बच्चे से लेकर वो 50 साल या फिर 60 साल के लोग ये प्लान को ले सकते हैं। मतलब दोस्तों, ये प्लान का शुरुआत होता है 3 महीना से लेकर और जाता है दोस्तों 60 साल तक। मतलब 3 महीना से लेकर 60 साल के कोई भी व्यक्ति ये प्लान को ले सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, ये प्लान का मैं पॉलिसी टर्म की बात करूंगा, तो दोस्तों ये प्लान आप लोगों को मिनिमम 10 साल का है और मैक्सिमम दोस्तों 25 साल के लिए। मतलब 10 साल के लिए भी आप ये प्लान को ले सकते हो और 25 साल के लिए भी ले सकते हो। उसके अलावा दोस्तों, मैं थर्ड पॉइंट पे बात करूंगा, तो मैच्योरिटी एज। मान लीजिए दोस्तों, आप लोग अगर अपने घर में जो बच्चे हैं 3 महीना के, उसके नाम पे ये प्लान को ले रहे हो, तो दोस्तों उन लोगों का 18 साल में मैच्योरिटी पूरा होना चाहिए। और अगर मान लो दोस्तों कोई बड़े उम्र के व्यक्ति ये प्लान को ले रहे हैं, तो उनका मैक्सिमम मैच्योरिटी दोस्तों 75 साल से 85 साल के बीच में होना चाहिए। 85 साल दोस्तों मैक्सिमम है, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों, मैं आप लोगों को प्रीमियम पेइंग मोड के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों देखिए, ये LIC के प्लान में आप मंथली पैसा जमा कर सकते हो, क्वार्टरली कर सकते हो, ईयरली कर सकते हो और हाफ ईयरली कर सकते हो। दोस्तों मंथली का मतलब तो आप समझते होंगे, क्वार्टरली का मतलब मैं समझा दे रहा हूं आप लोगों को। दोस्तों क्वार्टरली का मतलब होता है हर एक 3 महीना में आप पैसा को LIC में ये जमा कर सकते हो। उसके अलावा हाफ ईयरली के बारे में मैं बात करूंगा, तो दोस्तों हर एक 6 महीना में आप पैसा ये LIC में जमा कर सकते हो। उसके अलावा दोस्तों, मान लो आप साल में एक बार पैसा जमा करना चाहते हो, तो साल में भी कर सकते हो। आगे चल के दोस्तों मैं आप लोगों को सारा कुछ ये प्लान से रिलेटेड समझाने वाला हूं। जैसे कि दोस्तों यहां पर देख सकते हो, लास्ट पॉइंट में बेसिक सम एश्योर्ड लिखा हुआ, तो यहां पर 7 टाइम ऑफ एनुअलाइज्ड प्रीमियम है और 10 टाइम ऑफ एनुअलाइज्ड प्रीमियम है। तो ये दो पॉइंट को दोस्तों इंपॉर्टेंट है, आगे चल के हम लोग समझेंगे। तो दोस्तों यहां पर जैसे कि मेरे स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, यहां लिखा गया मतलब पॉलिसी डिटेल्स ऑफ LIC इंडेक्स प्लस, क्या क्या पॉलिसी डिटेल्स है दोस्तों, आइए मैं वो भी आप लोगों को बता दे रहा हूं। मतलब ये भी दोस्तों एक बेनिफिट ही है।
तो दोस्तों ये पॉलिसी में देख सकते हो दोस्तों आप लोगों को फ्री लॉक पीरियड मिल जा रहा है। उसके अलावा दोस्तों सेकेंड पॉइंट में मैं बात करूंगा तो यहाँ पर ग्रेस पीरियड मिल जा रहा है। तो फ्री लॉक पीरियड का मतलब दोस्तों ये होता है कि मान लो आप लोग LIC का ये प्लान लिए हो तो दोस्तों इसमें 30 दिन का आप लोगों को फ्री लॉक पीरियड दिया गया। अगर मान लो दोस्तों आप लोगों को 30 दिन के अंदर अगर प्लान को ये रिटर्न करना आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा ये प्लान तो रिटर्न कर सकते हो। उसके अलावा दोस्तों ग्रेस पीरियड का मतलब ये होता है कि मान लो आप LIC में मंथली पैसा जमा करते हो, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या फिर ईयरली जमा करते हो तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिल रहा है। मान लो दोस्तों कि अगर आप लोगों को जैसे सपोज दैट मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ, आप लोग EMI वगैरह जमा करते होंगे, कभी आप लोन लिए होंगे तो दोस्तों EMI आप लोगों का हर एक महीना आप लोगों का आता होगा कोई एक फिक्स डेट पर। तो उस डेट पे दोस्तों मान लो जैसे कि आप अपना EMI को नहीं जमा करते हो तो आप लोगों को बैंक बाउंस कर देती है आप लोगों के EMI को, आप लोगों को कोई एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ता। लेकिन दोस्तों ये LIC में मान लो अगर आप 30 दिन का इसमें आप लोगों को ग्रेस पीरियड मिल रहा, अगर मान लो आप लोगों का डेट हर एक साल का 1 जनवरी को आप लोग प्रीमियम अपना LIC का पेड करते थे, उस दिन आप लोगों के पास पैसा नहीं है तो आप लोग ये 30 दिन के अंदर पेड करोगे पैसा को तो आप लोगों से दोस्तों 1 रुपया फाइन नहीं जोड़ा जाएगा। लेकिन अगर 30 दिन के बाद आप पेड करोगे पैसा को तो आप लोगों से फाइन लगेगा, ये साफ साफ इसमें लिखा गया है दोस्तों। उसके बाद मैं आप लोगों को सेकेंड पॉइंट पर यहाँ लेके चलता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे होंगे मेरे स्क्रीन पर लिखा गया है यहाँ पर दोस्तों मनी इन्वेस्टमेंट ऑन। तो आप लोगों को दोस्तों देखिए ये जो LIC प्लान है इसमें अगर आप पैसा को इन्वेस्ट करते हो तो आप लोगों के पास दोस्तों ऑप्शन रहता है। कौन कौन सा ऑप्शन रहता है, देखिए 2 इक्विटी शेयर का आप लोगों के पास ऑप्शन होता है, एक फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड और एक दोस्तों है फ्लेक्सी ग्रोथ फंड, मतलब फ्लेक्सी और फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड है और एक फ्लेक्सी ग्रोथ फंड है, ये 2 फंड में आप पैसा को अपना इन्वेस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों मैं इसके बारे में बात करूंगा कि इसमें आप लोगों का देखिए 0 से लेकर 20% पैसा है जो आप लोगों का इन्वेस्ट होता है गवर्नमेंट के सिक्योरिटी के ऊपर। उसके अलावा दोस्तों यहां पर मैं बात करूंगा सेकेंड पॉइंट में तो आप लोगों का दोस्तों 0% से लेकर 40% पैसा इन्वेस्ट होता है मार्केट मनी में। उसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों को थर्ड पॉइंट में बात करूंगा तो यहां पर देख सकते हो आप लोगों का 40% से लेकर 100% तक पैसा इन्वेस्ट होता है इक्विटी शेयर में। तो दोस्तों इसमें आप लोगों का रिस्क भी रहता है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों मैं सेकेंड पॉइंट पे बात करूंगा तो फ्लेक्सी ग्रोथ फंड है, तो फ्लेक्सी ग्रोथ फंड में दोस्तों 0% से लेकर 20% पैसा आप लोगों का किस पे जमा होता है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में। उसके बाद दोस्तों यहां पर देख रहे हो 0% से लेकर 40% तक पैसा जमा होता है क्या, तो आप लोगों का मनी मार्केट में आप लोगों का पैसा लगता है। उसके अलावा दोस्तों मैं बात करूंगा थर्ड पॉइंट के बारे में तो यहाँ पर 40% से लेकर 100% आप लोगों का पैसा दोस्तों इक्विटी शेयर के ऊपर लगा हुआ रहता है LIC के थ्रू है दोस्तों आप लोगों का ये पैसा इक्विटी शेयर मार्केट में आप लोगों का पैसा लगता है। उसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों को अगले पॉइंट पर लेकर चलूंगा तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो एक सिंपल एग्जाम्पल है, इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को सारा चीज बता रहा हूँ। तो दोस्तों मैं यहाँ पर एक आदमी का एग्जाम्पल दिया हूं तो इसे आप लोगों को काफी ध्यान से समझना होगा क्योंकि दोस्तों इसमें आप लोगों को ऐसा बेनिफिट पता चलेगा जिसे देखने के बाद दोस्तों आप लोगों को सारा जो भी मन में डाउट होगा ये प्लान से रिलेटेड क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि आप यहां पर देख रहे होंगे यहां पर एक आदमी है जिसका नाम मिस्टर एक्स है, वो 30 साल का है, वो 25 साल के लिए ये पॉलिसी को लिया हुआ है। तो दोस्तों बेसिक सम ऑफ एश्योर्ड उसका 10 लाख का, मतलब दोस्तों वो 10 लाख रुपया को 25 साल में जमा करेगा। उसके बाद दोस्तों वो देख सकते हो टाइप ऑफ फंड चूसिंग, तो फ्लेक्सी ग्रोथ फंड में आप ये पैसा को लगाया है, जैसे कि मैं आप लोगों को पहले एग्जांपल दिया था जो भी इक्विटी शेयर, 2 चीज में आप लोगों का ये पैसा इन्वेस्ट होता, फ्लेक्सी ग्रोथ फंड में और फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड में। तो ये पैसा को अपना फ्लेक्सी ग्रोथ फंड में इन्वेस्ट किया तो ये प्रीमियम को दोस्तों पेड करने का इसके पास ऑप्शन है, हाफ ईयरली कर सकता है, ईयरली, एनुअली या फिर मंथली भी कर सकता है। तो दोस्तों ये ईयरली पैसा को जमा करता है 10 लाख रुपया को, दोस्तों 25 साल में इसको जमा करना तो हर एक साल दोस्तों ये 50,000 रुपया को पेड करता है। तो 50,000 रुपया देख सकते हो दोस्तों यहां पर आ गया, हर एक साल ये 50,000 रुपया पेड करता है। तो ये दोस्तों आप लोगों के लिए चार्ट है जो ये एग्जांपल में मैं दिया था। तो दोस्तों ये चार्ट को एक बार आप अपने से प्रयास करिएगा समझने के लिए, अगर आप लोग ये चार्ट को नहीं समझ पाओगे दोस्तों तो मैं आप लोगों को डीपली समझा दूंगा। तो दोस्तों अगर मान लो ये चार्ट को मैं छोटा छोटा पॉइंट समझाता हूं तो आप ये वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा, मैं कमेंट बॉक्स में सारा कुछ आप लोगों को